साल उमे होंगे ना मोर देन सेवनटीन ईयर्स आप लोगों को इनकी हालत देख के पता चल ही होगा इसमें से काफी कलर्स ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है दैट इज द फन पार्ट ऑफ दिस वीडियो की हम इतने पुराने कलर्स यूज करने वाले है आई एम श्योर आप में से काफी लोगों की एज भी नहीं होगी सेवनटीन या एटीन ईयर्स मतलब ये कितनी फनी बात है मम्मा कमेंट करके जरूर बताना आपकी एज क्या है एक और चीज बतानी थी मैं भूल गई वीडियो के एंड पे मैं आपके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर दूंगी सो वॉच इट टिल द एंड एंड इफ यू हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस देन कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूंगी आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट द वीडियो ओके दीडियो टूडे माई वॉटर कलर शीट्स विच आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने कब खरीदे थे

पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें अपने कलर्स को वेट करना पड़ेगा वंस दैट इज डन वी कैन प्रोसीड पेंटिंग अब मुझे एक बहुत बड़ा कन्फेशन करना है

रिपीट करूंगी अपने हर एक एलिमेंट के लिए चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो बाय द वे आई होप आपने नोटिस ऑलरेडी कर ही लिया होगा कि ये एनी वे पेंटिंग बहुत ज्यादा छोटी है साइज में आ...

Personally feel that I've improved so much. जो भी मैं weekly videos डालती हूँ, that has really helped me to improve my skills. Do let me know in the comment section below क्या आपको भी same ऐसा feel हो रहा है कि नहीं? Anyway guys, moving on. I cannot tell you how happy I am to see this improvement and to do watercolor painting after such a long time. It is so damn therapeutic. I cannot tell you. ऐसा लगता है मैं खो जाती हूँ, मैं घूम हो जाती हूँ paint करते करते. मैं मजाक नहीं कर रही.

I think we are almost done and a method add si details or add karungi green greenery. So yes, once that is done, I'll add few more details, few more flowers in the background, and then we are done. ट आर फाइनल पीस लुक्स लाइक एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है आई एम नॉट श्योर ये वीडियो में कितना अच्छा लगेगा बट सामने से ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड एंड बारीक काम लग रहा है हम आपको कैसा लगा ये को भी अच्छा लगा. करके जरूर बताना आपको कैसा लगा सो एम एंडल क्विकली ग्रैब माय मदर्स फोन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रितिका शी इज आस्किंग हाउ डू यू मैनेज योर टाइम थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन रितिका बिकॉज में से काफी लोगों को जिनको पता है वेल एंड गुड जिनको नहीं पता है मैं यूट्यूब के साथ साथ एक नॉर्मल रेगुलर नाइन टू फाइव जॉब भी करती हूँ एंड आई यूज़र एक्सपीरियंस डिजाइनर यूएक्स डिजाइनर सो मैं मैनेज कैसे करती हूँ टाइम को um, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ईजी चीज है वीकेंड्स पे मैं यूट्यूब का, का काम करती हूँ एंड मंडे टू फ्राइडे मैं अपनी जॉब करती हूँ एंड ये करना मैनेज करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज मैं अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करती ही हूँ एंड अल्टीमेटली दिस इज़ वॉट आई लव डूइंग आई लव टू डिज़ाइन एंड आई लव टू डू आर्ट सो आई थिंक इस वजह से बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए मैनेज करना टाइम प्लस मैं एक चीज़ और करती हूँ ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है मेरी लाइफ में जिसको मैं फॉलो करती हूँ बट हाँ मैं रात को सोने से पहले अपने दूसरे दिन को बहुत अच्छे से प्लान करना पसंद करती हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है नेक्स्ट डे उसके मैं नोट्स बनाती हूँ एंड उसको मैं ट्राई करती हूँ फॉलो करने का एंड आप अगर आप चाहती हो कि मैं इससे रिलेटेड एक डिफरेंट वीडियो बनाऊं एंड पूरा अपने रूटीन के बारे में आपको बताऊं तो कमेंट करके जरूर बताना मे बी इन फ्यूचर में वैसी कोई वीडियो बनाऊं कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन Okay, so the क्वेश्चन इज is इज is UX डिजाइन सो आई थिंक मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी बट मैं आज थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सो so जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन या जो भी वेब बेस्ड चीजें होती है वो सारी डिजाइन की जाती हैं, जिससे कि वो आप लोगों के लिए यूजर्स के लिए इंट्यूटिव हो ईजिली आप उसे यूज कर पाओ और आपको चीजें समझ आए फॉर एग्जाम्पल अभी आप यूट्यूब पे मुझे अभी देख रहे हो राइट एंड देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू लाइक टू शेयर टू डिसलाइक एज वेल एंड टू डाउनलोड टू कॉमेंट बहुत ऑप्शन है आपके पास राइट right? सर्च करने का भी ऑप्शन है तो ये ऑप्शन रातों रात आ नहीं गए YouTube पे किसी ने इसके ऊपर वर्क किया किसी ने सोचा कि क्या ज्यादा सेंस करेगा क्या नहीं करेगा साइकोलॉजी के बारे में रीड किया क्या फंक्शनैलिटी कहाँ होनी चाहिए बटन्स का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए जिससे कि आप लोगों के लिए आसानी हो उन चीजों को यूज करना ये सारा काम होता है यूएक्स डिजाइनर का चीजों को प्लान करना आप लोगों के साथ एम्पथाइज करना एंड आपकी जो भी नीड्स है उन्हें पूरी करना एंड लास्ट में जो भी मोबाइल एप्लीकेशन जो भी डिजाइन हम क्रिएट करते हैं डेवलपर्स यानी कि इंजीनियर्स उनको क्रिएट करते हैं सो यू एक्स इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी एम्पथाइजिंग विद एंड यूजर्स एंड क्रिएटिंग समथिंग विच इज Easy to use, which is of course intuitive, and yeah, this was it. I think UX के बारे में मैं जितना बात करूँ उतना कम है I think सच्ची में एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी भी चीज को डिजाइन करने से पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले दिस वॉज इट फॉर today's वीडियो Do लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसी लगी ये वीडियो बिकॉज मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी मैंने अपने इतने पुराने पेंट्स को यूज किया यार मजा आ गया मतलब मिलते हैं अगले हफ्ते टिल देन टेक केयर स्टे सेव बाय एंड आई लव इच वन ऑफ यू थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी गाइस